हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आर्क जेनेसिस एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द पेंटिंग सीरीज। जो कल की वीडियो थी इट वाज अबाउट पेंटिंग एज जनरल, और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो होने वाला है इंडियन पेंटिंग के लिए। मैं आपको देखो पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो कुछ क्वेश्चंस जो आए थे पेंटिंग के, उसको हम डिफाइन करना कि जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से आएंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पेंटिंग एक इतना बड़ा टॉपिक है और कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं है सिलेबस। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से पढ़ाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो आज का जो डिस्कशन होने वाला है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं करीब कितनी स्लाइड्स हैं यहाँ पर, तो इट इज़ अबाउट 37 स्लाइड्स। कई सारी ये फोटोग्राफ के थ्रू, इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर क्या चीज़ हुई है, कहाँ पर किस तरह की पेंटिंग डेवलप हुई है, क्या क्या स्कूल्स रहे हैं, जैसे पहाड़ी स्कूल है, राजस्थानी स्कूल है, फिर जो मॉडर्न पेंटिंग आती है राजा राजा रवि जो हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे, बाजार पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। और आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है अगर आप रिडल्स और पीडीएफ ये सब चीज़ चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर सीरीज स्टार्ट करी हुई है, पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। सो इट इज़ हैविंग मोर देन 150 और समथिंग रिडल्स, वहाँ जाकर कर सकते हो। आपको लिंक वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सारे लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलो आते हैं फिर से। सो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सेलेंस एंड पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मेजर मीडियम दैट हैज़ बीन यूज टू एक्सप्रेस। तो ठीक है, देर आर सेवरल एविडेंसेज दैट सजेस्ट दैट पेंटिंग फ्लरिश इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। तो अगर हम बात करें पेंटिंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो कुछ डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इट इज़ फ्रॉम द एंशियंट टाइम पीरियड, बहुत पुराने से ये सब स्टार्ट हुआ है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड वॉल पेंटिंग इन द पार्ट ऑफ इंडिया, तो वॉल पेंटिंग मतलब दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई है, विच सजेस्ट दैट इवन द अर्ली हिस्टोरिक मैन इन इंडिया वॉज एंगेज इन एक्टिविटीज ऑफ द आर्ट एंड लेजर। तो ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे अर्ली जो ह्यूमन रहे हैं वो एक आर्ट में और लेजर में इन्वॉल्व रहते थे। द हिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग कैन बी नोन फ्रॉम द प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। अगर आपको देखना है सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स है, भीमबेटका हो गया मिर्जापुर में और पंचमणि, देवर फॉलोड बाई पेंटिंग पॉटरी, पेंटेड पॉटरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, जो पॉटरी के ऊपर पेंटिंग की गई थी तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है पेंटिंग। लेकिन अगर देखा जाए कि जो रियल पेंटिंग वाली जो बात है, अभी हम देखेंगे कि कैसी पेंटिंग हुआ करती थी, बट द रियल पेंटिंग, द रियल रियल बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ द पेंटिंग बिगिंस फ्रॉम द गुप्तास एज। और इसलिए बोला जाता है दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ इंडियन आर्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, टेम्पल आर्टिचर इवॉल्व हुआ, स्कल्पचर यहाँ पर इवॉल्व हुए, पेंटिंग ये सब चीज़ें इवॉल्व इसी टाइम पीरियड में रही हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, मतलब बहुत ही पुरानी एंशियंट टाइम पीरियड की, द फर्स्ट सेट ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड एट भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। दिस पेंटिंग जनरली डिपिक्ट एनिमल्स, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता था, अब वो कंप्यूटर साइंस तो बनाएंगे नहीं, स्पेस ना बनाएंगे, दे विल टॉक अबाउट द बाइसन, बियर, टाइगर्स, ये जो वहाँ के जो लोकल एनिमल्स होंगे उनको जो देखा उन्होंने वो चीज़ बना दिया, लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह की पेंटिंग हुआ करती थी, इस तरीके से ये सब चीज़ें, सिंगल लाइन पेंटिंग बोलते हैं इनको, आप देखा होगा इसे यहाँ पर एक सिंगल लाइन की तरह से चल रहे हैं। इनके तीन पार्ट रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के लिए, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। जैसे एक होता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर का मतलब पहला, पैलियो मीन्स स्टोन, पैलियो मीन्स पुराना, ओल्ड, और लिथिक मीन्स स्टोन, बहुत पुरानी स्टोन एज, अपर वाली मतलब पुरानी स्टोन एज का भी सबसे पहले वाला पार्ट, अपर पार्ट, फिर मेसोलिथिक, फिर चाकोलिथिक। डिफ्रेंसेज रहे हैं इनके बीच में कि जो पेंटिंग का साइज़ है यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया था मेसोलिथिक के अंदर, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो टॉपिक है मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और ये आप तो 12th क्लास के लेवल के स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को पढ़ाता हूँ जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन अभी हमें अपने आप को रुकना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के अंदर क्या होता है, सिंगल लाइन ड्राइंग्स की पेंटिंग आती है, यहाँ पर ये चीज़ रही है। इमेजेस फोकस करो, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है पिक्चोग्राफिक होती है, हमें इमेजेस याद रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें से भीमबेटका रॉक पेंटिंग कहाँ पर रही है, तो अभी बात की थी ये भोपाल के पास है, साउथ ऑफ द भोपाल एंड इन द मध्य प्रदेश। द रॉक शेल्टर है मोर देन 500 रॉक पेंटिंग, और यहाँ पर भीमबेटका के अंदर 500 पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, और 2003 के अंदर इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। दी ओल्डेस्ट पेंटिंग्स आर एस्टिमेटेड टू बी 30,000 ईयर ओल्ड, और कितने साल पुरानी पेंटिंग्स है, 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, एंड हैव सर्वाइव ड्यू टू इट्स लोकेशन डीप इन साइड द केव। इतने साल तक ये सर्वाइव कैसा कर गई, क्योंकि जो केव्स के अंदर बनी थी, अगर कोई चीज़ केव के अंदर है इसका मतलब क्या होगा कि हवा पानी थोड़ा
थोड़ा उस पर कम इफेक्ट डालेगा, वेदरिंग कम होगी, तो इसलिए आज भी सर्वाइव कर रही है। आप देखेंगे पेंटिंग कैसी है, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग रही होंगी जो इससे भी पुरानी है, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो या तो हम मिल नहीं पाए या फिर खत्म हो गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग कि पेंटिंग को हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, सो वी कैन क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग को अभी पढ़ेंगे, मिनिएचर पेंटिंग को 4-5 स्लाइड के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो क्लासिफिकेशन में होगा, एक होगी म्यूरल और दूसरी हो जाएगी मिनिएचर। राइटिंग को मेरी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा समझ लो। मिनिएचर क्या होती है? म्यूरल पेंटिंग द वर्क ऑन द वॉल और सॉलिड स्ट्रक्चर आर रिफर्ड एज ए म्यूरल। अगर कोई भी आर्ट वर्क दीवार पे किया जाता है पेंटिंग फॉर्म में या सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर बड़े लेवल का होता है, उसको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, सो दीज हैव बीन एग्जिस्टिंग इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम एंड कैन बी डेटेड बैक और 10th century BC टू 10th century AD। तो हम 10 शताब्दी, 10th century BC और 10th century AD के टाइम पीरियड में हमें ये पेंटिंग देखने को मिलती हैं। The evidences of such painting can be found at several locations in India. The beauty and the exquisiteness of mural painting can be seen in Ajanta, Aramamalai Caves, Ravanchaya Rock Shelter, Bagh Caves. ये सब पढ़ेंगे, अभी दिखाऊंगा आपको कैसी कैसी पेंटिंग हुआ करती थी, जस्ट होल्ड ऑन। सीता नवस्थल पेंटिंग और कैलाशनाथ टेम्पल एंड एलोरा। ठीक है, एलोरा अजंता याद रखना इंपॉर्टेंट है। एलोरा के अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म तीनों फेथ हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें एलोरा के अंदर 17 जो केव्स हैं वो हैं हिंदुज़म के लिए और 12 जो केव्स हैं वो है ब्रह्म मतलब हिंदुज़म या ब्राह्मणिज्म एक ही चीज़ है, और जो 12 केव्स हैं वो हैं बुद्धिज़्म के लिए, और 5 जो केव्स हैं टोटल 5 हैं आपके जैन के लिए। तो यहाँ पर आपको ब्राह्मणिज्म इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा एलोरा के अंदर। अजंता के अंदर 29 केव्स हैं और 29 केव्स बुद्धिज्म के लिए। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द म्यूरल पेंटिंग आर आइदर इन नेचुरल केव और इन और रॉकर चैम्बर्स। ठीक है, द पेंटिंग फॉलोज अ थीम, द मोस्ट कॉमन बींग हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। तो जैसे हमने बात की, द म्यूरल पेंटिंग आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर शीट साइज। मतलब ये अलग क्यों है? क्योंकि इनका बड़ा साइज होता है। आप देखो कितनी बड़ी पेंटिंग है यहाँ पर, कितना डिटेल में काम किया गया है। इट इज ओनली पॉसिबल ऑन द वॉल, दे कैन नॉट बी कंटेन्ड ऑन अ पेपर एंड नीड टू बी एग्जीक्यूट ऑन द वॉल ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर, यूजली केव्स एंड टेम्पल हॉल। तो केव्स में बनाई जाती थी या फिर टेम्पल की दीवारों पर बनाई जाती थी। जिसमें कुछ केव्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, मुरल मतलब बड़े लेवल की बात चल रही है। सो अजंता केव पेंटिंग्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवल म्यूरल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पुराना आपको सर्वाइवल अगर पेंटिंग देखना चाहते हो तो आपको यहाँ मिलेंगी अजंता केव्स हैं। वर्क आउट इन 4th century AD, तो अराउंड आज से 1600-1700 साल पहले बनाई गई थी आउट ऑफ द वॉल्केनिक रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 29 केव्स, जैसे मैंने बात की थी अजंता जो केव्स हैं वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर आई थिंक 24 और 25 और 4 ऐसा कुछ है। तो 4 जो हैं चैत्याज हैं और 25 क्या है विहाराज हैं, दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए। The wall of the caves have both mural and fresco. Fresco का मतलब ये कहाँ से वर्ड आया है? जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इट केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड फ्रेस्को, जिसका मतलब होता है फ्रेश। फ्रेश मतलब अभी अभी आपने तैयार किया प्लास्टर। तो उसमें क्या करते हैं, वेट प्लास्टर करते हैं, उसके बाद हम लोग जो पिगमेंट्स होते हैं उनको डाल देते हैं, और अल्टीमेटली जो पिगमेंट्स होते हैं परमानेंटली वो फिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं mural painting. The unique feature of the painting is that each female figure has unique hairstyle. यहाँ पर अगर उस पेंटिंग की बात करेंगे अजंता केव्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको जितने भी फीमेल्स हैं उनके बाल जो होंगे, हेयर्स होंगे, वो हेयर स्टाइल जो है सबका अलग अलग है। इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स आर शोन विद इमोशंस। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि एनिमल्स के अंदर ग्रेस दिखाई देगी, बर्ड्स के अंदर भी काफ़ी कुछ दिखेगा कि इमोशन दिखाई देंगे आपको। कॉमन थीम क्या रहेगी, कुछ बनाएंगे तो कोई तो थीम रहेगी ना, किस चीज़ के ऊपर बात, किस तरह की पेंटिंग बनाएंगे वे। द कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग रेंज फ्रॉम दी जताका स्टोरीज ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा। जताका स्टोरीज क्या है, बुद्धा को की जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको जताका स्टोरीज की फॉर्मेट में बताया गया है। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं तो उनको ये दिखाया गया है। ठीक है, सो लाइफ ऑफ द बुद्धा टू एलिबोरेट डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ द फ्लोरा एंड फौरा, और आसपास के जो वहाँ के एनिमल वाइल्ड लाइफ को भी दिखाया गया। अगर हम बात करें सम इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स एट अजंता केव्स आर, जैसे वज्रपनी है,
वज्रपनी क्या है? उनको बोला जाता है बुद्धिज्म प्रोटेक्टर एंड गाइड, अ सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट पावर। वज्रपनी, मंजुश्री, वज्रपनी मंजुश्री और एक और पद्मपनी, यस, तीन बोधिसत्वाज हैं, इनको जरूरी याद करना, पर चलो अभी के लिए, कभी पढ़ेंगे हम लोग। सो यहाँ पर दिखाया गया, आपको पेंटिंग के नाम बता रहा हूँ मैं, आपको नाम ज़्यादा याद नहीं करना, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपके, सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। सो वज्रपनी को बोला जाता है प्रोटेक्टर एंड गाइड, अ सिंबल ऑफ बुद्धा पावर। मंजूश्री जो होते हैं उनको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धा विजडम। एंड पद्मपनी तो सिंबल ऑफ बुद्धा कंपेशन, पद्म का मतलब होता है लोटस, तो उनके हाथ में लोटस है। वज्रपनी के हाथ में क्या है? एक थंडर है, लाइट को हाथ में पकड़े हुए हैं। दो और केव एग्जाम्पल है द डाइंग प्रिंसेस इन केव नंबर 16। ये डाइंग प्रिंसेस है कि यहाँ पर जो प्रिंस हैं वो डाई कर मरने लगे। द सीन ऑफ शिबी जटाका वेयर किंग शिबी ऑफर्ड हिज ओन फ्लैश टू सेव द पीरन। तो इस तरह की पेंटिंग्स भी देखने को मिल रही है हमें अजंता के अंदर। फिर आता है एलोरा केव्स। तो एलोरा, यहाँ पर अजंता के अंदर ओनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इन एलोरा यू फाइंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। सो यहाँ पर आप देखेंगे एलोरा केव पेंटिंग, द म्यूरल पेंटिंग इज द एलोरा, इन द एलोरा केव्स आर फाउंड इन फाइव केव्स, मोस्ट लिमिटेड टू द कैलाश टेम्पल, मोस्टली कैलाश टेम्पल में। जैसे क्या है? इमेज ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी एंड विष्णु, तो लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की इमेज है, शायद यही होगी। इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा विथ हिज फॉलोअर्स, शिव जी की है। ब्यूटिफुल एंड ग्रेसियस अप्सराज, तो यहाँ पर शायद ये भी हो सकती है, मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। फिर आती है बाघ पेंटिंग। देखो तो बाघ पेंटिंग भी अजंता जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रिप्रेजेंटिंग एन एक्सटेंशन टू अजंता स्कूल, बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश विद देयर एक्सक्यूजिट वर्क रैंक क्वाइट क्लोजर टू द एक्चुअल अजंता केव्स इन देयर टर्म, इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन एंड डेकोरेशन। डिफरेंस कहाँ पर है फिर? द मेन डिफरेंस इज दैट द फिगर्स आर मोर टाइटली मॉडल्ड, हैव स्ट्रॉगर आउटलाइन। आप देख रहे हैं थोड़ी सी जितनी होती है स्ट्रॉगर आउटलाइंस हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ बनाई गई है। एंड आर मोर अर्थली एंड ह्यूमन, थोड़ी सी बेटर है इस चीज़ के हिसाब से, मतलब ह्यूमन टाइप की, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं इनसे और यहाँ पर, ठीक है। ये सीता नवसल पेंटिंग की गलत इमेज आ गई है, ये नहीं है। तो आती है सीता नवसल केव्स पेंटिंग, लोकेटेड 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पुडुकोटाई टाउन इन तमिलनाडु। दिस फेमस रॉक्स केव आर नोन एज फॉर द पेंटिंग इन जैन टेम्पल। याद रखना सीता नवसल जो केव्स हैं वो किसके लिए हैं? और जैन पेंटिंग्स हैं, ठीक है। दीज म्यूरल हैव क्लोज रिजेंबलेंस टू द बाघ एंड अजंता केव्स। तो ये भी बाघ और अजंता केव्स की सिमिलरिटी है। द पेंटिंग आर नॉट ओनली ऑन द वॉल बट ऑल्सो ऑन द सीलिंग एंड द पिलर। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सीलिंग छत पर भी देखने को मिल जाएगी और पिलर्स में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर नॉलेज, एग्जाम परस्पेक्टिव के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना जरूरी है एग्जाम में, नहीं तो आपको लगेगा हमने पेंटिंग नहीं पढ़ी है। तो पढ़ लो उसको, अच्छा ही रहेगा, आपको इन फ्यूचर पढ़नी है सब जाके। लिपाक्षी टाइम पेंटिंग्स, तो लिपाक्षी पेंटिंग्स क्या हैं? लोकेटेड इन द अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, दीज मुरल पेंटिंग वर एग्जीक्यूटेड ऑन द वीरभद्र टेम्पल वॉल्स इन लिपाक्षी इन 6th सेंचुरी, मेड ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड। दे फॉलोड अ रिलीजन रिलीजियस थीम्स बेस्ड ऑन द रामायण, महाभारत और विष्णु। तो लिपाक्षी के अंदर यहाँ पर भी आपको ब्राह्मणिज्म देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंस। दिस पेंटिंग शोज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनकी जो फीचर्स क्या है, यहाँ पर प्राइमरी कलर्स है ही नहीं, यहाँ पर नो प्राइमरी कलर्स, और खासकर ब्लू कलर तो बिल्कुल भी नहीं है। दे डिपिक्टेड डिक्लाइन इन पेंटिंग इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, और कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो क्वालिटी है वो थोड़ा डिक्लाइन हो गई थी लिपाक्षी के आते आते, ठीक है। तो ये रही हमारी म्यूरल पेंटिंग्स। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? द वर्ड मिनिएचर इज ड्रिव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड मिनिमम। जो मिनिएचर है वो कहाँ से आया? मिनिमम से आया, मिनियम से, MINIUM, नॉट मिनिमम, मिनियम, विच मीन्स रेड लेड पेंट, जिसका मतलब होता है कि लाल लेड पेंट जो होता है। दिस पेंट वॉज यूज इन द इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, और वहाँ पर यह कलर यूज किया जाता है रेनेसांस पीरियड के लिए। इट इज जनरली कन्फ्यूज विद द वर्ड मिनिमम। हम लोग क्या सोचते हैं कि मिनिएचर का मतलब आया मिनिमम से आया है, तो छोटी पेंटिंग रही होंगी। हाँ थोड़ा सा बाई चांस लॉजिकली ठीक है, लेकिन वहाँ से वर्ड नहीं आया है। मिनिएचर कहाँ से है? मिनिमम से। मिनिमम का मतलब होता है रेड लेड पेंट। सो विच वुड मीन दैट दे वर स्मॉल इन साइज। मिनिएचर आर स्मॉल एंड डिटेल पेंटिंग। तो आप ये देखेंगे बहुत छोटी पेंटिंग होती हैं, पत्तों पर, लीव्स के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर बनाई जाती हैं, काफ़ी डिटेल होती हैं, ठीक। कुछ प्री कंडीशंस हैं, मतलब कुछ टर्म्स
टेक्निक होती है अगर आप मिनिएचर पेंटिंग करना चाहते हैं. सो देर आर सेवरल प्री कंडीशन दैट आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग. क्या है? द पेंटिंग शुड नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच, मतलब 5 इंच बाई 5 इंच के आसपास ही होनी चाहिए, ऐसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी तो आएगा 25 स्क्वायर इंच. दिस सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग शुड यू पेंटिंग इज नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज. मतलब क्या है, अगर कोई कॉलम 6 मीटर का है तो आप उसको 1 मीटर का ही दिखाओगे, ठीक है, 1/6 दिखाना होता है. मतलब क्या है, अगर आपका जो फेस बनाना चाह रहे हो उसका, मान लीजिए जो फेस है ये मान लीजिए 1 फिट का है, तो आप उसको कितने दिखाओगे, 2 इंचज में दिखाओगे, ठीक है, 1/6 साइज में. सो इन मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग द ह्यूमन फिगरेंट इज सीन विद द साइड प्रोफाइल. अगर इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात करेंगे तो कुछ चीज़ देखने को मिलती है कि समय कॉमन है. क्या कॉमन है? पहला तो ये है कि जितनी पेंटिंग्स बनाई गई हैं मिनिएचर की, मोस्टली पेंटिंग्स वो साइड प्रोफाइल से बनाई गई हैं, ठीक है, दिखाऊंगा अभी आपको मैं. दे यूजली है बल्जिंग आइज, पॉइंटेड नोज, नाक जो है पॉइंटेड है, एंड स्लिम वेस्ट, और जो उनकी जो वेस्ट है वो स्लिम है. इन द राजस्थानी मिनिएचर द स्किन कलर ऑफ द कैरेक्टर इज ब्राउन. राजस्थानी के अंदर जो कलर है स्किन का ब्राउन है. वाइल द मुगल पेंटिंग दे आर जनरली फेयर, तो जो मुगल पेंटिंग्स है थोड़ी फेयर है. फर्दर मोर द कलर ऑफ डिवाइन बींग लॉर्ड कृष्णा इज ब्लू, और कृष्णा जी को तो ब्लू कलर में दिखाया गया है. द वुमेन फिगराइंग्स हैव लॉन्ग हेयर, जो बाल हैं उनके काफ़ी बड़े हैं, एंड कलर्स ऑफ दीज आइज एंड हेयर आर जनरली ब्लैक, ठीक है. मैन जनरली वियर ट्रेडिशनल क्लोथ एंड हैव अ टर्बन ऑन द हेड, तो नॉर्मली जो पारंपरिक कपड़े होते हैं वही पहनते हैं, और उनके सर पर एक टर्बन भी देखने को मिलती है, ठीक है. अब मिनिएचर पेंटिंग समझ में आया क्या होता है, म्यूरल पेंटिंग से अलग कैसे है. मिनिएचर पेंटिंग छोटी होती है, 1/6 उनका नॉर्मल साइज लिया जाता है, और ये माना जाता है कि 25 स्क्वायर इंच से बड़ी साइज नहीं होना चाहिए मिनिएचर पेंटिंग्स का, छोटी होनी चाहिए, लाइक आपके A4 से छोटी साइज की, ठीक है. अब ये क्वेश्चन आता है कि अब बहुत सारे स्कूल डेवलप हो जाएंगे, पाला स्कूल को हम पढ़ेंगे, कुछ सारे स्कूल और भी देखेंगे जहाँ पर ये पेंटिंग हो बनती थी और कुछ फीचर्स भी रहे हैं. दिस स्कूल वॉज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग 750 AD to 1150 AD. दिस पेंटिंग्स आर जनरली फाउंड एज ए पार्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन द पाम लीफ और वेलम पेपर. पाम लीफ पर या वेलम पेपर पर इनको बनाया जाता था. द बुद्धिस्ट मॉन्क मोस्टली यूज देम एंड एज देयर रिलीजियस प्रैक्टिस नॉन वायलेंस अगेंस्ट ऑल लिविंग बींग देवर स्टिपुलेटिंग टू ओनली बनाना और द कोकोनट ट्री लीव्स. तो वो क्या करते थे, वो बनाना ट्री और कोकोनट ट्री पर भी बनाते थे उनकी लीव्स के ऊपर. दिस पेंटिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाई साइनियस लाइन्स एंड सबड्यूड टोन ऑफ द बैकग्राउंड इमेजनरी. दीज आर लोनली सिंगल फिगर्स इन द पेंटिंग एंड वन रेयरली फाइंड ग्रुप्स पेंटिंग. यहाँ पर आप देखेंगे जो पाला स्कूल रहा है, ये बिहार की तरफ था, जो आज का प्रेजेंट डे बिहार है, वहाँ पर आपको पेंटिंग लोनली मिलेंगी, मतलब अकेले हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा लोग देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ग्रुप पेंटिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी. फिर आती है अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट, तो यहाँ पर आप पेंटिंग है अपभ्रंशा की. दिस स्कूल ट्रेसिस इज ओरिजिन टू गुजरात एंड मेवाड़ रीजन राजस्थान. इट वॉज प्रीडोमिनेटली स्कूल ऑफ पेंटिंग इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 11th to 15th century. द मोस्ट कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग वर जैन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपभ्रंशा जो थी ये जैन में पेंटिंग्स हैं. किसके लिए? मिनिएचर पेंटिंग्स. इन द लेटर पीरियड द वैष्णवा स्कूल अप्रिशिएटेड देम टू. दे बोर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गीता गोविंद एंड सेकुलर लव इन टू दिस पेंटिंग दैट वर अदरवाइज डोमिनेटेड बाई द जैन आइकोनोग्राफी, ठीक है. अगला आते हैं फिर. अब ये चलता रहा साइड में. अब क्या हुआ, जैसा टाइम प्रोसीड हुआ तो दिल्ली सल्तनत, आपने एक नाम सुना होगा दिल्ली सल्तनत, खिलजी उलजी ये सब आए थे, सिलेब डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत में भी कुछ पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, कुछ खास नहीं हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर. मुगल एरा के अंदर भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ. अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो आप ये समझो कि एंशंट पेंटिंग रही है हमारी, एंशंट के बाद गुप्ता पेंटिंग रही है. गुप्ता के अंदर हमने देखी है म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग उसके बाद क्या रहता है, दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद आता है मुगल पेंटिंग, माइटी एम्पायर, मुगल माइटी एम्पायर. यहाँ पर बिल्कुल सही काम चल रहा था. स्टार्टिंग बाबर आते हैं, बाबर फिर अकबर, अकबर पर्शियन लोगों को लेकर आते हैं. शाहजहाँ ने तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी दिखा दिया था, गोल्ड वगैरह आर्टिफिशियल थोड़ा सा लगने लगा था. लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, मिरल जो मुगल के अंदर जो है पेंटिंग वो ऐसा जाती है, मतलब जैसा टाइम चलता है तो पेंटिंग को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं. लेकिन यहाँ पर भाई साहब आते हैं औरंगजेब. औरंगजेब क्या थे, वो पेंटिंग वेंटिंग पसंद नहीं करते, आर्ट वर्क उनका काम था जीतना और अपने जो टेरिटरी को एक्सपेंड करना. उन्होंने क्या किया, जो पेंटर्स हुआ करते थे मुगल, जो उन्हें कोर्ट में बैठते थे, उनको पैसे मिलते थे, पेट्रोनाइज किए जाते थे, उनको वहाँ से भगा दिया. सब उनको प्रेज नहीं किया, मतलब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा, इज्जत नहीं मिलेगी तो खुद क्या करेंगे.
तो मुगल पेंटिंग हम अभी पढ़ेंगे। जब औरंगजेब तक के टाइम पीरियड के बाद ऐसा रहता है, औरंगजेब के बाद जो पेंटर्स होते हैं उस मुगल जो एम्पायर था छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि वहाँ पर राजपूत हुआ करते थे, और कुछ लोग चले जाते हैं हिली रीजन की तरफ, उनको बोलते हैं पहाड़ी स्कूल। तो मुगल जो पेंटिंग्स हैं यहाँ से दो स्कूल निकले थे, एक का नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरे का नाम था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसके छोटे छोटे सब वर्जन देखने को मिलेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे, अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब चलता रहा, और उसके बाद क्या हुआ, मुगल पेंट के बाद क्या आते हैं, फिर इसके बाद क्या आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ जाकर हम लोग देखते हैं मॉडर्न पेंटिंग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी टाइमलाइन रही है। आई सपोज कि आपको ये सब चीज़ें दिख गई होंगी, समझ में आया क्या है टाइमलाइन। एंशंट, गुप्तास, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल, मुगल के बाद औरंगजेब के टाइम पीरियड के अंदर दो स्कूल डेवलप हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ही डिस्करेज पेंटर्स, एनकरेज नहीं किया, तो राजस्थान स्कूल और पहाड़ी स्कूल बन जाते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का हमें देखने को मिलता है, जिसको मॉडर्न पेंटिंग बोलते हैं। ये सब को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। मुगल एरा की जो मिनीचर पेंटिंग्स हैं, वहाँ पर नॉर्मली क्या होती थी, मिनीचर पेंटिंग्स होती थी। दीज पेंटिंग्स ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन एलिमेंट्स ऑफ देयर ओरिजिन विद द इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स। ऑफकोर्स पर्शियन लोग ही थे, वहाँ से ही आए थे, तो अपने साथ कुछ कल्चर भी लेकर आएंगे। आपने देखा ही होगा ये सब चीज़ें, जो लोग जहाँ से जाते हैं वहाँ का अपना कल्चर लेकर जाते हैं। लाइक इंडियंस इन यूरोपियन सिटीज़ दे फॉलो होली दिवाली, बेसिक चीज़ तो करते ही हैं। तो इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इंडियन इन्फ्लुएंस भी, इंडियन पेंटिंग वहाँ जाएंगी। सो देर वर अ चेंज इन कलर पैलेट, थीम एंड फॉर्म्स, बिल्कुल। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्शन टू गॉड टू ग्लोरीफाई। तो पहले भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता था कि भगवान जी के बारे में महाभारत रामायण, वहाँ से चेंज हट के क्या हो गया, ग्लोरीफाई द रूलर्स एंड शोइंग हिज लाइफ। वहाँ पर क्या होने लगा कि जो रूलर हैं जैसे यहाँ पर हैं, उनको दिखाने लगे कि जो, क्योंकि जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है वहाँ पर जो गॉड है उनको फॉर्मलेस है, वहाँ फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता। हमारे यहाँ जैसे हिंदू में होता है, जैसे मैं हिंदू रिलीजन फॉलो करता हूँ, तो शिव जी, हनुमान जी, बहुत सारे हनुमान गॉड हैं, उनको हम लोग फॉर्म में बनाते हैं, स्कल्पचर भी आती है, मूर्ति पूजा भी की जाती है, लेकिन मुस्लिम में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो गॉड को जब दिखाई नहीं सकते हैं, तो हाउ विल दे डिपिक्ट दी गॉड। सो नॉर्मली जो पेंटिंग की थीम हुआ करती थी होती थी ग्लोरीफाई दी रूलर्स और उनकी डेली लाइफ, वो खाना खा रहे हैं, हंट कर रहे हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, लाइक दिस। दे फोकस्ड ऑन हंटिंग सीन, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अदर कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स, ठीक है। तो है ना कि हंटिंग सीन दिखा दिया, हिस्टोरिकल इवेंट्स, और कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, सजा दे रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, खाना खाते हुए। दिस पेंटिंग्स वर कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज द यूज ऑफ द ब्रिलियंट कलर। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिलियंट कलर यूज किए जाते थे मुगल टाइम पीरियड में। दे ब्रोट द टेक्निक ऑफ फोर साइटनिंग टू द इंडियन पेंटर रिपर्टोर। रिपर्टोर क्या मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, लेट मी चेक। अ स्टॉक ऑफ प्ले डांसेस और आइटम दैट आर कंपनी और परफॉर्मेंस नोन एज अ प्रिपेयर टू द परफॉर्म, ओके, ठीक है। अंडर दिस टेक्निक ऑब्जेक्ट वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियलिया। तो ऐसा कुछ बनाया जाता था कि जो जो फोर साइट फोर शॉर्टनिंग टेक्निक जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियलिया। ऐसा लगता था कि बहुत पास में है और थोड़े छोटे हैं, जबकि इतने छोटे या इतने पास में नहीं होते थे, ठीक है। तो ये कई सारे रहा इसके अंदर, बाबर, अकबर, शाहजहां, ये सब रहा। लेकिन अगेन इसके अंदर फिर डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती और इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं था, तो मैंने सबको कर दिया सिर्फ समझाने के लिए। अब क्या हुआ, जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या करा, दोनों को, जो पेंटर्स थे इनको अपने कोर्ट से निकाल दिया, पैसे नहीं दिए, अप्रिशिएट नहीं करा। तो वहाँ से क्या हुआ, कुछ लोग चले गए राजस्थान की तरफ, राजस्थान गुजरात रीजन में, उसी को बोला गया राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग। कुछ लोग चले गए जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड वाला जो पार्ट है, वहाँ बोला गया पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। अब राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्कूल डेवलप हो गए लोकल एरियाज, जिसके अंदर आता है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मेवाड़ स्कूल की पेंटिंग ऐसी सी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑफकोर्स हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने का मन है तो बता देना, लेकिन अभी एग्जाम को थोड़ा फोकस करते हुए हम लोग थोड़ा लिमिटेड रहेंगे। किशनगढ़ पेंटिंग है, किशनगढ़ जो पे स्कूल है वहाँ का मार्बल बहुत फेमस है, किशनगढ़ का मार्बल आप देख, नाम सुना भी होगा शायद। तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर ऐसी पेंटिंग बनाई जाती थी, तो ये निहाल चंद की बनी ठनी पेंटिंग है, आप जानते हैं इसको, बनी ठनी, इसको बोला जाता है मोनालिसा ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी याद रख लो कि बनी ठनी किसने बनाई थी, निहाल चंद ने, और कौन से स्कूल से थे, राजस्थानी के किशनगढ़ स्कूल से। ऐसी बूंदी स्कूल बनाई जाती है, बूंदी स्कूल भी जगह है बूंदी राजस्थान में, उसी के नाम से पड़ गया है। इन बूंदी स्कूल पेंटिंग्स ऑफ द लोकल वेजिटेशन ओवर डिटेल। तो यहाँ पर क्या होता है, लोकल वेजिटेशन,
वहाँ पर क्या उग रहा है, क्या सब्जी हैं, फ्रूट्स हैं, ये काफ़ी डिटेल में दिखाए जाते थे। ह्यूमन फेसेस वर राउंड विद पॉइंटेड नोज इन द पेंटिंग। नॉर्मली क्या होता है, चेहरे गोल हुआ करते, पॉइंटेड नोज निकली होती थी। कलर्स ऑफ द स्काई इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, जो स्काई का जो कलर है वो डिफरेंट कलर में होता था। एंड मोस्टली अ रेड रिबन इज विजिबल इन द स्काई, और कहीं ना कहीं हमें लाल एक रिबन देखने को मिलता था ऐसा कुछ। ठीक है, ये बूंदी स्कूल हुआ। ऐसे ही अंबेर जयपुर स्कूल की पेंटिंग रही है। नॉर्मली कुछ ऐसा यूनिक फीचर नहीं है, सब कुछ ऐसे सेम चल रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा ऑफकोर्स, लेकिन कुछ खास नहीं है। ऐसे ही मारवाड़ स्कूल पेंटिंग भी आती है, मैंने पेंटिंग नहीं रखी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो जैसे पहाड़ी जैसे ही राजस्थानी स्कूल डेवलप हुआ, कुछ लोग चले गए पहाड़ की तरफ, हिली रीजन की तरफ, वहाँ पर अपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। उसको बोला गया पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर बसोली स्कूल, कांगड़ा स्कूल वगैरह भी आते हैं। दिस स्टाइल ऑफ द पेंटिंग डेवलप इन दिस सब हिमालयन स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। दे वर ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मुगल ऑफ ओवर लॉर्डशिप। द थीम दैट वर पेंटेड रेंजिंग फ्रॉम द माइथोलॉजी टू लिटरेचर एंड ब्रॉट न्यू टेक्निक टू द ब्रिक न्यू टेक्निक। ठीक है, तो ये पहाड़ी स्टाइल की पेंटिंग रही है, और भी रही है, जैसे इसमें थंगला भी रही है पेंटिंग, कुछ ऐसी भी रही है। तिब्बतन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पता कैसे चलता है, क्योंकि मोस्टर बना रहे हैं, और मोस्टर कहाँ से है, ये चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ठीक है, तो पहाड़ी स्कूल का वो कवर अप हो गया है, उधर राजस्थानी स्कूल कवर अप हो गया है। ऐसे ही साउथ इंडियन में भी देखने को मिलेगा पेंटिंग। तो मिनिएचर पेंटिंग्स हमें साउथ इंडिया में भी मिलती हैं, जैसा पहली पेंटिंग आती है तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग का नाम किस लिए पड़ा है, द थंजावुर ऑफ और द तंजौर स्कूल इज फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग। आप देखो कितना डेकोरेशन किया गया है यहाँ पर, हर चीज़ में डेकोरेशन, तो इसलिए फेमस है। दिस पेंटिंग्स आर यूनिक एज दे आर मोस्टली क्रिएटेड ऑन ग्लास एंड बोर्ड, तो ग्लास पर या बोर्ड पर बनाई जाती थी, ऐसा नहीं था पहले। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लॉथ एंड द वेलम प्रीफर्ड इन द नॉर्थ इंडिया। दे आर यूनिक बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द ब्रिलियंट कलर पैटर्न एंड लिबरल यूज ऑफ गोल्ड लीफ, और यहाँ पर सोने की पत्तियाँ यूज की गई थी। तो आप देख पा रहे हैं इनको कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो ये होगी तंजौर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग भी आती है। द मेजर थीम ऑफ द मैसूर पेंटिंग इज अ डिपिक्शन ऑफ द हिंदू गोल्डन गॉडेस। तो मैसूर पेंटिंग ऐसी पेंटिंग्स थी, तो यहाँ पर हिंदू गोल्डन गॉडेस को दिखाया जाता था। इसमें यूनिक फीचर क्या था, द यूनिक पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग इज दैट दे हैड टू और मोर फिगर्स इन द ईच पेंटिंग। तो एक पेंटिंग के अंदर एक से ज़्यादा फिगर्स रहते थे, एंड वन फिगर प्रोडोमिनेटेड ऑल ऑल दी अदर इन साइज एंड कलर। आप एक चीज़ नोटिस करना, देखो कितनी बड़ी बनाई है यहाँ पर, और जबकि बाकी कितने छोटे छोटे से बनाए हैं, तो एक पूरी इमेज ही डोमिनेट करती थी। ये इनकी फीचर होती थी मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैं फिर से बता देता हूँ। एंशंट पेंटिंग्स हम लोगों ने देखी, प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, भीमबेटका वाली, अपर पैलोलिथिक, मिसोलिथिक, चाकोलिथिक। तो पैलोलिथिक, मिसोलिथिक, चाकोलिथिक, उसके बाद हम लोगों ने देखा गुप्तास का, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने को मिलेगा हमें। इंडस वैली के अंदर क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पोट्री के अंदर हम पेंटिंग देखने को मिली है। फिर उसके बाद हम लोग जो देखा जाता है, फिर हम जाते हैं गुप्तास के अंदर, गुप्ता पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर अजंता, एलोरा, ये केव्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ चलती हैं। फिर यहाँ पर आता है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर तक बहुत कुछ प्रेस किया गया, अच्छा रहा, कुछ पेंटिंग्स हम देखी, ब्रिलियंट कलर यूज़ किए जाते थे। अगर आपको टेक्निक और बताऊँ मैं, तो कैलीग्राफी यूज़ की जाती थी, बाउंड्री लाइन यूज़ की जाती थी, कोल्ड यूज़ किया जाता था, फ्लोरा फ्लोना के ऊपर फोकस किया जाता था। ऐसा नहीं था कि भगवान जी, क्योंकि मुगल के अंदर ये सब चीज़ होती नहीं है, मुस्लिम के अंदर, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। औरंगजेब के आते आते तो यहाँ से डिस्क्रेस किया गया, तो कुछ लोग चले गए आपको हिली रीजन की तरफ, उनको बोला गया पहाड़ी स्कूल, और कुछ लोग चले गए राजस्थान की तरफ, उनको बोला गया राजस्थानी स्कूल। ठीक है, तो ये मिनिएचर पेंटिंग हमने देखी, साथ साथ इनके साथ चल रहे थे म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग भी हम लोग देख रहे थे। फिर क्या होता है, साउथ इंडिया के अंदर भी हमें कुछ पेंटिंग मिलती है, थंजावुर हो गया, ये सब चीज़ें, मैसूर पेंटिंग, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। और तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कैसा कैसा हमारी जो स्टोरी लाइन चल रही है। जो ये डिस्कशन होता है, मैं इसको डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट 4-5 घंटे लेता हूँ पूरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है और इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। साउथ इंडिया पेंटिंग हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आ जाता है, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आता है, और साथ साथ 1857 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स रूल भी डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहा है टिल 1947, इसको बोलते हैं मॉडर्न पेंटिंग। उसके बाद जो आज भी चल रहा है मॉडर्न पेंटिंग्स हैं, उनको भी हल्का सा हम लोग देखेंगे।
तो अभी तक हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये सब चीज़ें हमने कवर अप कर लिया है। नाउ वी आर स्विचिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या होता है मॉडर्न पेंटिंग्स, तो मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर आते हैं कंपनी पेंटिंग्स। इन द कॉलोनियल पीरियड अ हाइब्रिड स्टाइल ऑफ पेंटिंग इमर्ज्ड दैट कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ राजपूत। तो एक हाइब्रिड डेवलप हुआ जिसके अंदर राजपूत की पेंटिंग्स, राजपूत या राजस्थानी वाला, मुगल एंड अदर इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग विद यूरोपियन एलिमेंट। तो यूरोप भी आए थे ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने क्या किया कि यूरोपियंस इंडिया में आए, कुछ ऐसी हाइब्रिड क्वालिटी पेंटिंग डेवलप कर दी जहाँ पर लोकल कल्चर भी देखने को मिलता था, इसमें राजस्थानी मुगल हो गए और यूरोपियन एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता था। दे ब्रॉट द यूरोपियन स्टाइल एंड टेक्निक टू द पेंटिंग। और जो टेक्निक और पेंटिंग जो तरीके मेथड यूज़ किए जाते थे ब्रिटिश यूरोपियन स्टाइल में या फिर यूरोप में या ब्रिटेन में, वो उस तरह के स्टाइल इंडिया में आने लगे। दिस पेंटिंग इवॉल्व विद अ ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर एम्प्लॉयड पेंटर्स हु हैड बीन ट्रेन इन इंडियन स्टाइल, ठीक है? हैंड दे मिक्स देयर एम्प्लॉयर्स यूरोपियन टेस्ट विद देयर इंडियन ट्रेनिंग। दिस वॉज कॉल्ड एज कंपनी पेंटिंग, और इनको बोला गया कंपनी पेंटिंग। क्यों? क्योंकि जब आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, इसलिए कंपनी पेंटिंग बोला जाता है। दे वर डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ वाटर कलर, और यहाँ पर आपको वाटर कलर देखने को मिलेंगे जो आज से पहले हमें देखने को नॉर्मली नहीं मिलते हैं। एंड इन टेक्निक बाय द अपीयरेंस ऑफ लीनियर परस्पेक्टिव एंड शेडिंग, और हमें क्या देखने को मिलेगा कि लीनियर परस्पेक्टिव रियलिटी देखने को मिली, और जस्ट शेडिंग हो गया। शेडिंग क्यों करते हैं? टू ब्रिंग द डेप्थ। दिस स्टाइल ऑफ द पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन कहाँ पर? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, थंजावुर। अब आपको ऐसे गाँव में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? जो यूरोपियंस आए थे वो नॉर्मली ऐसे ही मेजर सिटीज़ में रहते थे और वहाँ पर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, ठीक है? ऐसे कुछ पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, कंपनी पेंटिंग। देखने लगा आपको पर्सपेक्टिव, एक तरह से एक रियलिटी थोड़ी सी निकल का आई सामने। वाटर कलर यूज़ किए जाने लगे, आप देखो यहाँ पर शेड, इस तरह की चीज़ें। अब अगर आप इन पेंटिंग को देखेंगे, हमारी पुरानी पेंटिंग्स को, तो इसमें पर्सपेक्टिव मिसिंग है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसा रियलिटीज कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्लियर हो गया बाजार पेंटिंग्स में क्या था, सॉरी कंपनी पेंटिंग के अंदर। अब आती है ऐसी कुछ पेंटिंग स्टार्ट होगी, उनको बोला जाता है बाजार पेंटिंग्स। दिस स्कूल वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन इंडिया। दे वर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी पेंटिंग एज दैट स्कूल मिक्सड यूरोपियन टेक्निक एंड थीम विद इंडियन वन, ठीक है? सो दे वर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी पेंटिंग एज द स्कूल मिक्सड यूरोपियन टेक्निक एंड थीम विद इंडियन वन। द बाजार स्कूल डिड नॉट टेक एनी इंडियन इन्फ्लुएंस। तो आपको कंपनी जो पेंटिंग थी वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो बाजार पेंटिंग थी वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी था ही नहीं। कहाँ से लिया उन्होंने? रोम और ग्रीक इन्फ्लुएंस। दे मेड द पेंटर टू कॉपी द ग्रीक एंड रोमन स्टेटस। द स्कूल वॉज प्रिवलेंट इन बंगाल एंड बिहार रीजन। कहाँ पर था? आपने सुना होगा कोलकाता। बहुत ही तीन प्रेजिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल प्रेजिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास मतलब चेन्नई वाला पार्ट, बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र मुंबई वाला पार्ट, और जो बंगाल वाला मतलब कोलकाता वाला पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दी ग्रेको रोमन हेरिटेज दे मेड पेंटिंग ऑन एवरी डे बाजार दैट शोज इंडियन बाजार विद यूरोपियन बैकग्राउंड, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, इंडियन बाजार होंगे लेकिन बैकग्राउंड जो रहेगा वो आपको यूरोपियन मिलेगा। जैसे इस तरह की पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लियर? फिर आता है राजा रवि वर्मा जी के बारे में। सो राजा रवि वर्मा इज वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट पेंटर। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। और उनको बोला जाता है कि जो स्कूल मॉडर्न पेंटिंग स्टार्ट हुई है इंडिया में, उनकी देन है। द स्कूल वॉज कॉल्ड मॉडर्न बिकॉज ऑफ द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न टेक्निक एंड थीम। एक्चुअली हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन को समझते थे मॉडर्नाइजेशन। ये भी बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं कि मॉडर्न हो रहे हो, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूरोपियन जो फॉलो करते हैं, यूएसए या अमेरिका वाले फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करें हम मॉडर्न हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आज से 15 से 20 साल पहले जो लोग जिम जाते थे उनको मॉडर्न बोला जाता था, और जो योगा करते थे उनको आउटडेटेड। लेकिन सब चेंज हो गया। अब आज की डेट के अंदर लोग योगा फोकस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द मॉडर्नाइजेशन विद द वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट में हो रहा है यूरोपियन या अमेरिकन सिटीज़ में, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पर उसका मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो अच्छा है या फिर मॉडर्न है, ठीक है? जैसे मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, अभी थाईलैंड में ये एक रूल पास किया है कि जो पैकेजिंग होगी वो केले के पत्ते पर होगी। ये मॉडर्नाइजेशन का साइन है आज की डेट में। और हमारे यहाँ पर कितने सालों साल गांव जाएंगे तो वहाँ पर जो पत्तियों पर ही हम खाना खाते हैं आज भी, मतलब। तो
ये चीज होती रहती है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद द मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट अगेन ही वॉज यूनिक एज ही ब्रॉट टूगेदर एलिमेंट्स ऑफ साउथ इंडियन पेंटिंग विद द वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ द कलर एंड स्टाइल। तो वही है, राजा रविवर्मा कहाँ गए थे, साउथ इंडिया गए थे, तो उन्होंने अपना कल्चर देखा और यूरोपियन देखा, वहाँ से क्या करा, वो केरला गए थे तो अपना केरला के बारे में थोड़ा देखा और जो वेस्टर्न कल्चर रहा उनके तो टेक्निक लेकर आए और अपना बना दिया। ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ द केरला एंड वॉज डब्ड एज अ रफेल ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट ब्रश स्ट्रोक एंड ऑलमोस्ट लाइफ लाइक पेंटिंग। ऐसी पेंटिंग जो देखने में ऐसे रियलिटी लगती है। सम ऑफ हिज वेरी फेमस वर्क इंक्लूड लेडी इन द मूनलाइट पेंटिंग है, मदर इंडिया ATC। ही गेन नेशन वाइड रिकॉग्निशन फॉर हिज पेंटिंग फ्रॉम द इपिक रामायण, स्पेशली द वन टाइटल रावण किडनेपिंग सीता। तो एक सीरीज निकाली थी उन्होंने, तो रावण जो है सीता जी का हरण करते हैं करता है और लेकर चले जाता है, तो उसी सीन को दिखाया। अ फैमिली हैज़ बीन मेड रिसेंटली ऑन हिज नेम रंग रशिया, तो देख लेना भाई अगर देखने मन, मैंने देखी नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ पेंटिंग्स हैं, आपको ये सब मिल जाएंगे, इस तरह की पेंटिंग वो बनाते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी रियलिटी ज़्यादा आने लगी है, ठीक है, ब्रश स्ट्रोक अच्छे थे। फिर क्या होता है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी निकल कर आती है साथ में, बंगाल वाले रीजन में। द बंगाल स्कूल इज सपोज टू हैव ए रिएक्शनरी अप्रोच टू द एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इन 1940s 60s। 1940-60 का जो बना है ये रिएक्शनरी अप्रोच थी, मतलब दिस स्कूल इज़ यूनिक एज द यूज सिंपल कलर्स, और इस स्कूल ने सिर्फ सिंपल कलर यूज़ करे। द आइडिया ऑफ द बंगाल स्कूल केम अप विद द वर्क ऑफ द अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर उन्हीं ने स्टार्ट किया इन 20th सेंचुरी हिज अरेबियन नाइट सीरीज। तो उन्होंने एक सीरीज निकाली थी अरेबियन नाइट्स, मेड ए मार्क ऑन ए ग्लोबल स्केल एज इट ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल ऑफ द इंडियन पेंटिंग एंड ब्रोट इन समथिंग न्यू। तो सब कुछ नया था उसमें, ही ट्राई टू इनकॉर्पोरेट स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट। तो आज तक सोचते थे कि इस टाइम पीरियड में कि वेस्टर्नाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आया उसने जो अपना स्वदेशी मूवमेंट की बात करी कि जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन, हमारी पेंटिंग स्टाइल है, वो कहीं से कहीं तक इन्फीरियर नहीं है। ये हमारे पता माइंड में डाला गया था, जो यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल टू द इंडिपेंडेंस, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यूरोपियंस ने सबसे पहले हमारे माइंड पर कब्जा किया। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताने में सक्सेसफुल हो गई है कि जो इंडियन आर्ट है, जो इंडियन कल्चर है, इट इज़ इन्फीरियर, और यूरोपियन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया, जैसे हमारे इंडिया के अंदर फेयर कलर को बहुत माना जाता है, वो यूरोपियंस को ऑलरेडी फेयर कलर होते थे, उनके पास ऑलरेडी उनका जो स्किन कलर है फेयर था, तो इंडियन जो रूलर्स होते थे ना बड़ा अच्छा मानते थे कि देखो हमने फिरंगी या फिर कहते हैं ना गोरे लोग अपने सर रखे हुए हैं, तो उनका फ़ायदा उन्होंने उठाया। तो कहीं ना कहीं यूरोपियंस ने, खासकर ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड पर कंट्रोल करा, उनको मैं ये दिखाने में रियलाइज करने करा दिया कि जो हमारा कल्चर रहा है वो ख़राब रहा है। इसके अंदर स्वामी विवेकानंदा जी थे, जहाँ पर ये उन्होंने अपनी बात की वेदांता के बारे में कि नहीं हमारा जो इंडियन कल्चर है कहीं से कहीं तक कम नहीं है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। तो जो स्कूल डेवलप हुआ यही हुआ कि जो हमारा कल्चर है वो कहीं से कहीं तक इन्फीरियर नहीं है, तो उसको रिवाइविंग बोला जा सकता है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जब जैसा आज आपके NCERT पढ़ते हो, सो उस टाइम पीरियड में होता था नेशनल एजुकेशन कुछ इस तरह का नाम हुआ करता था, तो जो पहला चैप्टर होता था ना NCERT का उस ज़माने में, तो उसका नाम ये होता था द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताया जाता था कि देखो हम लोग आप पर रूल कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मॉडर्नाइजेशन ये चीज़ ख़राब होती है। तो लोग क्या करते थे, लोग सोचते हाँ अच्छा तो है जो पढ़ने वाले हैं कि ठीक है यूरोपियंस रूल कर रहे हैं लेकिन कितनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं नुकसान, तो ऐसा था, खैर छोड़ो। सो यहाँ पर क्या था, हिज अरेबियन नाइट सीरीज मेड ए मार्क ऑन द ग्लोबल स्केल एज इट ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल इन इंडियन पेंटिंग एंड ब्रॉट इन समथिंग न्यू। ही ट्राई टू इनकॉर्पोरेट स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट एंड ट्राई टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न आर्ट स्टाइल अमंग आर्टिस्ट। ही इज नोन बाई हिज पेंटिंग भारत माता एंड वेरियस मुगल थीम पेंटिंग, भारत माता और मुगल थीम पेंटिंग के नाम पर है। दी अदर नोटेबल पेंटर ऑफ द स्कूल इज नंदलाल बोस, तो यहाँ पर आप देखें नंदलाल बोस जी भी हैं अविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ साथ। वर्क वूज वर्क लीड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद शांति निकेतन, ही इज नोन फॉर हिज वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच, तो वाइट ऑन ब्लैक मतलब काले रंग को बनाया होगा वाइट कलर का गांधी स्केच के लिए, विच बिकम आइकनिक ड्यूरिंग 1930s। और 1930s तो मतलब आप जानते हैं महात्मा गांधी जी का तो नाम था, आज भले ही आप लोग गाली देते हो या क्रिटिसाइज करते हो, महात्मा गांधी ये बात भी सच्चाई है, द लास्ट लीडर इंडिया हैड इट वॉज महात्मा गांधी। 33 करोड़ पॉपुलेशन थी और उस जमाने में 33 करोड़ पॉपुलेशन उनके नाम पर मरने को तैयार थी,
आज के टाइम में जो लोग घर बैठ के या बोलते हैं कि किसी को बुराई करते हैं, और खासकर ऐसे लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या थे, कुछ नहीं थे, बेकार था, ये था वो था, आप एक 4-5 लोगों की फैमिली नहीं चला पाते हो। 33 करोड़ लोगों को संभाल कर रखा उन्होंने, और दुनिया वाले या फिर जो ऑथर्स हैं इतने गलत नहीं हो सकते हैं। आप इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, हम इतने समझदार नहीं है कि बेसिक लिमिटेड नॉलेज में हम अपना वर्डिक्ट दे दें। ठीक है, तो ये गांधी जी का 1930 में तो बहुत ही रोला चल रहा होगा सब जगह, कि चाहे 1930s का रहा हो, CDM मूवमेंट रहा हो, उसके बाद 1940s के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट, बट अगेन। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी के बारे में बोलते हो, स्टैंड लेते हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सोच समझ के स्टैंड लोगे। जस्ट बिकॉज ऑफ समवन सेंड यू व्हाट्सएप मैसेज रिगार्डिंग द बैड पार्ट ऑफ द महात्मा गांधी, इसका मतलब ये नहीं है हम उसको गलत बोलना स्टार्ट कर दें। आप बोल सकते हो, बशर्ते आपको उस चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन। ही वॉज ऑल्सो एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ इल्यूमिनेटिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा संविधान लिखा गया है, तो पता ही है कब लिखा गया था, बता सकते हो डेट क्या थी? चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेट्स सी आप लोगों को पता है नहीं पता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को आ गया, तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको डाउनलोड करके आप एक काम करो, उसका प्रेम्बल पढ़ना, लिखो प्रियम्बल, आपके NCERT के पहला पेज वही होता है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर आप समझोगे। आप उस लाइन को पढ़ना और लास्ट वाला लाइन पढ़ना कि हेयर बाय वी अडोप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर। तो वहाँ पर 26 नवंबर लिखा गया है और हम मनाते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, 2 महीने गैप क्यों, 2 मंथ्स के, जो हमारा संविधान है वहाँ पर 26 नवंबर लिखा गया है, नॉट 26 जनवरी। ठीक है, तो देखते हैं आपको पता है नहीं पता, बताओ अगर किसी को जानकारी है, वैसे काफ़ी नॉर्मल फैक्ट है। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में हमें देखने को मिलेगा, तो ऐसे कुछ भारत माता, पैशन ऑफ द शाहजहां, मदर, इस तरह चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर अपना इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ द स्कूल वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर, हिज पेंटिंग वॉज यूनिक एज दे यूज डोमिनेंट ब्लैक। तो उन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो ज़्यादातर ब्लैक कलर यूज़ करते थे, ब्लैक लाइन यूज़ करते थे, दैट मेड द सब्जेक्ट लुक वेरी प्रोमिनेंट, और उससे क्या होता था कि जो मेन सब्जेक्ट है, मेन जो थीम है वो निकल कर आती थी। ही मेड स्मॉल साइज पेंटिंग्स, छोटी पेंटिंग बनाते थे। सम आर्ट हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट हिज पेंटिंग कैन बी लिंक टू हिज राइटिंग। ही रोट वेरी इवोकेटिंग पोएम्स एंड द सेम सेंस ऑफ रिदम कुड बी डिटेक्टेड इन द पेंटिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड मैनी हिज पेंटिंग। तो स्पिरिचुअल थे और उनके हिसाब से उनकी थीम भी वही रहती थी। मैनी ऑफ द स्टूडेंट वेंट ऑन द बिकम फेमस पेंटर ऑफ द बंगाल स्कूल। तो यहाँ पर और भी लोग हैं जिन लोगों ने इसमें काम किया। एक फॉर्म निकल कर आती है क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो आप जानते हैं क्या है, कुछ पेंटिंग आपने देखी भी होंगी। द क्यूबिस्ट मूवमेंट ऑफ द पेंटिंग टुक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट। अंडर द स्टाइल ऑब्जेक्ट वर ब्रोकन एनालाइज एनालाइज्ड एंड देन रिजेंबल्ड। तो एक ऑब्जेक्ट लिया जाता था, उसको तोड़ते थे, फिर उसको दोबारा असेंबल करते थे। द आर्टिस्ट रिकंस्ट्रक्टेड दिस प्रोसेस ऑन द कैनवस थ्रू ही द यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म। दे ट्राई टू अचीव द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द लाइन एंड द कलर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया इज एम एफ हुसैन, जानते हैं, हु मेड अ सीरीज ऑफ द पेंटिंग कॉल द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस। इन द पेंटिंग दैट यूज एब्स्ट्रैक्ट कैनोशन ही यूज द मोटिव ऑफ ए हॉर्स। तो काफ़ी हॉर्स इंस्पायर्ड थे फ्रिक्वेंटली, एज इट वॉज द बेस्ट टू डिपिक्ट द फ्लूडिटी ऑफ द इमोशन। ठीक है, अगर कुछ पेंटिंग में दिखाऊँ आपकी, तो आपको ऐसी कुछ पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हॉर्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हॉर्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, शायद ये भी थोड़ा सा ये भी लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और हाँ अभी एंड नहीं हुआ है। कुछ पेंटिंग्स और भी हैं, फोक पेंटिंग्स, वारली पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, ये भी अगर हम देखें तो 12 से लेके 15 पेंटिंग्स के आसपास हम लोग बना सकते हैं, पर उसके लिए एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। अगर आप मुझे बोलोगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वारली पेंटिंग्स हो गया, थंगला पेंटिंग्स हो गया, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, और कलमकारी पेंटिंग्स हो गया, पटचित्र पेंटिंग्स, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। बट अगेन आपको अगर इसमें डिस्कस करना है तो आपको बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई सपोज कि आपको पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही होगी, अभी 2 दिन बचे हैं हमारे पास, जल्दी जितना हो सकता है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।